फ्रेंड्स, शादियों में रेस्टोरेंट में आपने सूप तो बहुत खाए होंगे, लेकिन क्या आपने घर पे कभी बनाया है वेज मंचूरियन सूप? तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं वेज मंचूरियन सूप, जो कि सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है खाने में, और गर्मा गर्म खाने से फ्रेंड्स आपकी सर्दी भी छूमंतर हो जाती है। तो इसे बनाने में फ्रेंड्स थोड़ा सा समय लगता है और बन करके ये तैयार हो जाता है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। किस तरह से हमें बनाना है वेज सूप, तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको ये रेसिपी। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना और मेरी किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं ये वेज मंचूरियन सूप, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए देखिए, मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली हैं थोड़ी सी वेजीज। तो वेजीज आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने लिया है कैप्सिकम, थोड़ी सी यहाँ पर मैंने गाजर ली हैं जिनको मैंने बारीक चॉप किया है, थोड़ी सी यहाँ पर मैंने गोभी ली है, तो आप फूल गोभी ले सकते हैं, पत्ता गोभी ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने अनियन ली हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे अदरक लहसुन को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो ये सभी चीज़ें जो हमने वेजीज ली हैं फ्रेंड्स, इनको हमें बारीक चॉप करना है। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई में आप डाल लीजिए थोड़ा सा ऑयल। तो फ्रेंड्स बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपका ये सूप बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है जो अदरक और लहसुन था, उसको हमने यहाँ पर ले लिया है और इसको आपको हल्का सा बस भूनना है जो इसका कच्चापन निकल जाए, उससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है इसको, बस इतना ही भूनना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने जितनी भी वेजीज ली हैं उनको भी यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्टली करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर डाल देंगे, जिससे वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। बस हमें उनका क्रंच जो है उनको बरकरार रखना है, उसका क्रंच हमें बिल्कुल नहीं निकालना है, गलानी हमें बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सिर्फ इतना भूनिएगा कि बस हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए, क्रंचीनेस जो है इनका वो बना रहे। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को मैं डाल दूँगी। तो जो सबसे जल्दी गलने वाली चीज़ें हैं उनको हम बाद में डालेंगे, जैसे कि प्याज है तो उसको हम लास्ट में डालेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से इन सभी चीज़ों को भून लेंगे और यहाँ पर देखिए मैंने प्याज को डाल दिया है आखिर में। बस एक मिनट के लिए इनको हल्का सा स्टर फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। इसको लगातार आपको चलाते रहना है और हल्का सा जब ये भून जाए तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी आप जितनी आपकी वेजीज हैं उसके अकॉर्डिंग डालना है। तो यहाँ पर मैंने एक एक बाउल सारी वेजीज ली थी, तो यहाँ पर मैंने करीब 3 से 3.5 ग्लास पानी यहाँ पर ऐड किया है, क्योंकि पतला होता है सूप, तो थिकनेस जो है वो हमारी किस तरह से होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं बिल्कुल अपने स्टाइल में बना रही हूँ इसको, और आप इस तरह से बनाएंगे ना फ्रेंड्स तो आपको रेस्टोरेंट स्टाइल आपका सूप बन करके तैयार होगा और बिल्कुल और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी इसमें, जो कि बाकी आपने वीडियोज़ में देखा होगा बहुत तरह की चीज़ें डालते हैं वो हमें बिल्कुल नहीं डालनी है। तो यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर लिया है, थोड़ा सा यहाँ पर हम ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च डालेंगे, और इसके अलावा कोई भी मसाले हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस विनेगर। तो यहाँ पर मैंने विनेगर यहाँ पर ऐड कर लिया है, करीब 2 ढक्कन के आसपास मैंने विनेगर यहाँ पर ऐड किया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सोया सॉस। तो सोया सॉस भी फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने देखिए आधा जो मेरा चमचा है उसको मैंने यहाँ पर डाला है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ज़्यादा सूप है, तो यहाँ पर जो भी क्वांटिटी है उसे आप डबल कर लीजिए अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच, यहाँ पर 3 चम्मच से ज़्यादा ही होगा फ्रेंड्स, 3 से 4 चम्मच यहाँ पर सोया सॉस डाल लिया है। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाला है चिली सॉस। तो रेड चिली सॉस बनाने के लिए अगर आपके पास रेड चिली सॉस नहीं है तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि हल्की सी 1 चम्मच से 1.5 चम्मच आपको सॉस लेनी है। उसमें आपको जो हमारी घर की पिसी हुई मिर्च होती है ना फ्रेंड्स, उसमें आप उसको ऐड कर लीजिए और आपका रेड चिली पेस्ट बन करके तैयार हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। अब फ्रेंड्स इस सूप को थोड़ा सा हम बनने देंगे, इससे पहले हम इसमें डाल देंगे ये 3 चम्मच मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है जिसे हम अरारोट कहते हैं, तो उसको फ्रेंड्स हम इसमें डालेंगे। इसकी स्लेरी आप बना लीजिए बहुत पतली सी, तो ये आप देख सकते हैं 3 चम्मच यहाँ पर मैंने लिया है और इसको हमने डाल दिया है इसमें। तो आपको लगातार चलाते चलाते हुए इसको डालना है, एक जगह ऐसे नहीं डालना है, तो यहाँ पर इसकी गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। तो आप इस तरह से पतला करके आप यहाँ पर डालिए, इससे क्या होगा फ्रेंड्स जो हमारी सूप की जो थिकनेस है एकदम जेली सा जो टेस्ट आता है ना, जेली सा जो फ्लेवर आएगा वो इसी से आएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो सूप है एकदम थिक सा होने लगा है, तो इस तरह का जो फ्लेवर आएगा वो इसी से आएगा। तो आप इस तरह से यहाँ पर इसको
डाल लीजिए। जो हमारा वेज सूप है वो देखिए, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है। आपको जैसे बॉयल हो रहा है आपको दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा अमेजिंग बन करके ये सूप तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसको क्रंचीनेस देने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ होना चाहिए सूप के अंदर, चाहे तो आप ब्रेड के टुकड़ों को आप इस तरह से फ्राई कर सकते हैं, आप पोटैटो की लच्छे आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ली है यहाँ पर मैगी, तो मैगी को मैंने इस तरह से यहाँ पर इस तरह से फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर हम सूप को इसमें डालेंगे बाउल में। हमारा सूप जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है बन करके। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल आपका सूप जो है वो बन करके तैयार हो। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में सभी को ये सूप बहुत पसंद आता है। बच्चों को आप दे सकते हैं, बड़ों को आप दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है खाने में और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है अगर आप इसे सर्दियों में खाएंगे तो। आपकी सेहत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, अपने प्यार को इसी तरह से मेरे साथ बनाए रखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।